एयरफोर्स डे में जोश, जुनून और जज्बे के साथ की कदम ताल। पहले दिन हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। भारतीय वायु सेवा की 91वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एयर शो के पहले दिन शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। बमरौली स्थित वायु सेवा के मध्य वायु कमान मुख्यालय में वायु सेना योद्धाओं की परेड हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पैरा हैंड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने हवा में 360 डिग्री पर करतब दिखाते हुए परेड में एंट्री की। उसके बाद दो वायु योद्धा पैरा मोटर्स हवा में उड़ते हुए परेड में आए। हवा में उनके द्वारा किए गए करतब पर वहां मौजूद स्कूली बच्चों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान AN-32 विमान से 10 पैराजंप पर 8000 मीटर की ऊंचाई से कूदे। कलरफुल पैराजंप पर दर्शकों के सामने उतरे तो लोग रोमांचित हो गए। लोगों ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र गरुड़ कमांडो की परेड रही। इस बीच 5 गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर के नीचे बंधी रस्सी के सहारे लटकत कभी नजर आए। परेड के दौरान 3 सूर्य किरण हेलीकॉप्टर वहां से तिरंगा धुआं छोड़ते हुए निकले। इन विमान के निकलते ही वहां बैठे हर एक शख्स ने ताली बजाकर अभिवादन किया। वायु योद्धाओं ने अपनी राइफल से भी तमाम करतब दिखाए। उन्होंने दिखाया कि अनुशासन और ड्रिल भारतीय वायु सेवा की जीवन शैली है। इसके पूर्व वायु योद्धाओं ने परेड भी की। उनके सलामी एयर मार्शल मध्य वायु कमान मुख्यालय ने ली। खास बात ये रही कि परेड में महिला अग्निवीर भी शामिल हुई। इनकी संख्या 31 रही। परेड में वायु सेवा की झंडा बदलने की भी परंपरा इस बार शुरू हुई। अब 8 तारीख को आयोजित एयर शो में वायु सेवा अध्यक्ष भी इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। Thank you.
तो भी नहीं किया जरूर इतना है। अरे पूरा कंप्लीट तो होने दीजिए। अरे कहाँ पर सुनी नहीं मुझे सर, वो पास कैसे लेंगे गाड़ी वाले पास मरीज से नहीं कहाँ तो लेते शाम को मिलते।